मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र में आज हमारे बीच हैं भाई नीरज मिश्रा जी, जो रेलवे में जॉब करते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशी के प्रति, पुरानी परंपराओं के प्रति बहुत ही जागरूकता का काम अपने जीवन में तो मानते हैं, साथ में यथासंभव चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो या कहीं भी कोई भाई बंधु हो जिनको भी लगता है कि इसे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं भी कोई लोग नहीं भी सुनते हैं, उनमें भी इस विचारधारा को कि हमारे आने वाली पीढ़ी में और वर्तमान पीढ़ी में हमारी परंपराएं और स्वदेशी चिकित्सा पैची बची रहे, इस पर निरंतर यथासंभव प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम मिलते हैं भाई नीरज मिश्रा जी से, जो कुछ आपको एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आप अपने सर्वाइकल की समस्या घर में एक्सरसाइज के माध्यम से सही कर सकते हैं। वंदे मातरम भाइयों बहनों। जैसा कि गोविंद भैया ने बता ही दिया है, मैं आज सर्वाइकल के बारे में बताऊंगा। सर्वाइकल कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं, क्योंकि इसका इलाज थोड़ा गलत तरीके से हो जाता है, इस वजह से ये समस्या लगती है। खास तौर से माताओं बहनों के साथ बड़ी समस्या होती है। जब वो झाड़ू लगाने के लिए सर झुकाती हैं, पोछा लगाने के लिए सर झुकाती हैं, तो उनके गर्दन में बहुत दर्द होता है और इससे उनको काम भी उनका आधा अधूरा है। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इसको आप कीजिएगा मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन में जो भाई बहनें जो है मजबूरीवश कॉलर लगाते हैं, उनका वो कॉलर भी छूट जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज को। इसमें 7 स्टेप्स हैं। और अच्छा, जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो धीरे धीरे करेंगे, जिनको नहीं है वो थोड़ा सा तेज कर सकते हैं एहतियात के तौर पे। ध्यान देंगे, पहली एक्सरसाइज ऐसे सांस भरेंगे और दोनों हाथों को हथेलियों को ऐसे करेंगे और इस हथेली से इधर को ठेलेंगे, इस हथेली से इधर को, ऐसा लगेगा जैसे दो व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं और दोनों को आप ठेल रहे हैं और ऐसे सांस भर करके। फिर 1-2 सेकंड जितना हो उतना रुकेंगे, फिर ऐसे धीरे से आएंगे, फिर सांस भरते हुए फिर आप वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ के वापस हो जाएंगे। एक एक्सरसाइज आपकी होगी। दूसरा क्या होगा आपको, आप इसी तरीके से सांस भर कर जाएंगे और हथेलियों को इस तरीके से पीछे की तरफ ठेलेंगे, दोनों हथेलियों को पीछे से जोड़ेंगे और आप मेरा हाथ देखिए, दोनों कंधे की सीध में हथेलियाँ अंदर की तरफ जा रही हैं सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे सीधे आएंगे, फिर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए, ये आपकी 2 एक्सरसाइज हुई। तीसरी में आप क्या करेंगे, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे कानों से अपने सटाएंगे, फिर सांस भरते हुए हथेलियों को नीचे की तरफ और हाथ को ऊपर की तरफ उठाना ऐसे, फिर सांस बंद, फिर हथेलियों को अंदर, फिर सांस छोड़ देंगे, फिर सांस भर के इधर, चार एक्सरसाइज हो गई। एक फिर आप करेंगे ऐसे करके, ऐसे इस हाथ से इसको ठेलना है और इस हाथ से इसको ठेलना अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, और कंधे की सीध में सांस भरते हुए ऐसे रुकेंगे जितना रुक सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर छोड़ देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर से इसको जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके ये कंधे भर आएंगे, तो इसको धीरे धीरे आपको करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गए। फिर एक एक्सरसाइज आप ऐसे करेंगे सांस भर करके बाएं तरफ जितना खींच सकें, फिर सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे, फिर सांस भर के दाएं तरफ, फिर सामने आएंगे। ध्यान देंगे, इसको जब करते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, नीचे से अपनी कमर को मोड़ लेते हैं, तो बहुत, आपको कमर नहीं मोड़ना है, कमर आपकी स्थिर रहनी चाहिए, आपको केवल गर्दन मुड़नी चाहिए ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ये होगी। फिर एक एक्सरसाइज आपको करनी है, सांस भर करके यहां पे कंधे पे दोनों हाथों को लगाना है हथेलियों को और ऐसे,
सर को पीछे ले जाना है, कंधे को आगे तरफ खींचना है। ध्यान रहे किसी भी अवस्था में सर को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, सर्वाइकल के मरीज को आगे की तरफ सर नहीं झुकाना। इस तरीके से आप इसको करेंगे, यकीन मानिए मुश्किल से मुश्किल हफ्ते भर में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो भाई बंधु कॉलर बोन लगाते हैं उनको इनसे 100% आराम मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान चिकित्सा। एक चीज़ बताना था कि अगर इसके इस एक्सरसाइज के साथ आप रेड़ी के तेल, जिसको कि कैस्टर ऑयल और एरंड ऑयल बोलते हैं, अगर उसकी मालिश अपने गर्दन पे करें और किसी गर्म कपड़े को लपेट लें तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। साथ ही भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी घरेलू चिकित्सा में हल्दी पाउडर, सोंठ पाउडर, मेथी पाउडर, इसका काढ़ा बना करके आप पीजिए। यकीन मानिए खासतौर से माताओं बहनों से मेरी एक गुजारिश है, आपको इतना आराम मिलेगा कि आप अपने इस भाई को याद करेंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।